जून के दूसरे हफ्ते से मध्य प्रदेश में प्री मॉनसून एक्टिविटी देखी जा रही है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने इस हफ्ते की शुरुआत में राज्य के अधिकांश जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है, साथ ही कई जगहों पर गरज और चमक वाला मौसम भी बना रहेगा। भोपाल की सीनियर मौसम वैज्ञानिक दिव्या ए सुंदरेन ने बताया कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से प्री मॉनसून एक्टिविटी देखने को मिल रही है। इससे प्रदेश में दो तरह के मौसम बन रहे हैं, कहीं कहीं पर गर्मी और उमस तो कहीं पर तेज हवाएं चलने के साथ हल्की बारिश हो रही है। प्रदेश के दक्षिणी हिस्से यानी छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, मंडला, सिवनी, बालाघाट, बैतूल समेत कई जिलों में आंधी बारिश का मौसम बरकरार है। मौसम विभाग ने मंगलवार को बैतूल, पांढुर्ना, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और ढिंडोरी में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं भोपाल, जबलपुर, कटनी, पन्ना, नीमच, मंदसौर, रतलाम, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, सीहोर, टीकमगढ़, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, उमरिया, मऊगंज, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और बालाघाट में आंधी गरज वाला मौसम बना रहेगा। केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना समेत देश के कई राज्यों में मॉनसून पहुंच चुका है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 2-3 दिन तक बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ब्रांच थोड़ी कमजोर होगी। ऐसे में 16-17 जून तक मध्य प्रदेश में मॉनसून का आगाज हो सकता है। सोमवार को सीधी सबसे गर्म रहा, यहां टेम्परेचर 45.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं सबसे गर्म शहरों में सिंगरौली, सतना, रीवा, शहडोल, टीकमगढ़, खजुराहो, मंडला, खरगोन और नर्मदापुरम शामिल है। इंदौर से लोकल 18 के लिए राहुल दवे की रिपोर्ट।